साथियों, यहाँ पर जो दवा स्प्रे का कार्य चल रहा है उस धान की किस्म का नाम है नाथ पोहा। और इसमें जो प्रमुख रोग हमें जिन पर नियंत्रण करना होता है वो है ब्लास्ट और सीड ब्लाइट, और दूसरा है तनाछेदक। तो साथियों, ये जो धान की अवस्था है वो रोपाई हुए एक माह हो चुके हैं और इसमें हल्के फुल्के ब्लास्ट रोग के लक्षण अभी दिखाई देने शुरू हो गए हैं, अर्थात ये ब्लास्ट या झुलसा रोग की शुरुआती अवस्था में है। और जो सीथ ब्लाइट या चरपा नामक रोग है, ये इसके लक्षण हमें दिखाई नहीं देते, ये धीरे धीरे शुरुआत इसकी हो जाती है और बाद में जब इस पूरी तरह खेतों में फैल जाता है तब इसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसलिए हमें इस रोग के दिखाई देने के पूर्व ही इन दवा का स्प्रे कर देना चाहिए। इसमें जो दवा इसके नियंत्रण के लिए डाली जा रही है उसमें ट्राईसाइक्लाजोल और प्रोपिकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है। ट्राईसाइक्लाजोल जो धब्बे वाले रोग होते हैं, जो लाल धब्बे के रूप में, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पत्तियों पर छोटे छोटे लाल धब्बे के रूप में, ये शुरुआती अवस्था में दिखाई देता है, बाद में ये ऊपर से पत्तियाँ पूरी तरह सूख कर जली हुई अवस्था में दिखाई देने लगती हैं जब इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इस रोग का नाम ही झुलसा है, जिसमें पत्तियाँ पूरी तरह झुलसी हुई दिखाई देती हैं, ऊपर से लाल दिखती हैं जब इसका अत्यधिक प्रकोप हो जाता है। तो ये जो दवा है फिलिया, ये झुलसा और सीथ ब्लाइट के दोनों से हमें इस रोग से छुटकारा दिलाएगी। इसके अलावा इसमें हमने जो डाला है प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन, और साथ में इसमें हमने डाला है कार्टप। तो ये जो दोनों दवा है ये तनाछेदक रोग से प्रभावी नियंत्रण देगा, क्योंकि ये खरीफ सीज़न 2023